अगर एनसीबीसी नहीं होता, अगर आज मैं एक पढ़ी लिखी महिला नहीं होती और मेरे अंदर लड़ने का जज्बा नहीं होता, ओबीसी एससी एसटी और सारी बहुजन महिलाओं की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात हो, तभी हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट से लेके एकेडमिक से लेके टीचिंग से लेके पंचायत से लेकर हर जगह बढ़ेगा। कि हमारी पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी इस देश पे राज करेगी। जो बहुजन का बात करेगा वो देश पे राज करेगा। प्रॉब्लम्स ही नहीं पता है आज प्रोफेसर हरी नार के यहाँ पे अगर नहीं बता के जाते कि बजट का कितना इशू है, जब हमारे लिए बजट ही नहीं है तो हमारे लिए डेवलपमेंट कैसे होगा, चाहे वो रिसर्च स्कॉलर हो चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, जब बजट ही नहीं है तो हमारा डेवलपमेंट पैसे के बिना रुक जाता है। दूसरा ये है कि जब मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर थी जब दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो मैं किसी भी यहाँ पे समुदाय के अगेंस्ट नहीं बात करूँगी, लेकिन जब मुझे एक ओबीसी विमेन होने के नाते, एक ओबीसी महिला होने के नाते, मेरे कास्ट आइडेंटिटी के नाते और मुझे एक महिला होने के नाते जब प्रताड़ित किया जाता है तो मैं उस मुद्दे को जरूर बोलूँगी। और वहाँ पर हमें ना ही दलित और बहुजन इश्यूज पे रिसर्च करने का अधिकार है, और अगर आप उस पे डेयर भी करते हैं कि आप इसी मुद्दे पे लिखेंगे और इसी मुद्दे पे रिसर्च करते हैं तो तमाम आपके साथ आपके सामने ऑब्स्टेकल्स आते हैं। मेरे बारे में ये कहा गया है कि इसको इंग्लिश नहीं आती है, इसको इतिहास नहीं आता है, जबकि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इतिहास में पढ़ाई की थी, मैंने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है, लेकिन इस तरह की तमाम अफवाहें एक ओबीसी महिला के बारे में बताया जाता है और उसका 18 महीने का एमफिल 36 महीने में सबमिट करवाया जाता है। अगर एनसीबीसी नहीं होता, अगर आज मैं एक पढ़ी लिखी महिला नहीं होती और मेरे अंदर लड़ने का जज्बा नहीं होता तो शायद मैं आज एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पर आपके बीच में नहीं होती। तो ये बहुत ही जरूरी है हम सारी महिलाओं के लिए कि हम सभी प्रॉब्लम्स को जाने, अवेयर हो और गट्स रखें कि अपने मुद्दे को सबके सामने बेबाकी से रखें, ये बहुत ही जरूरी है। प्रवीण ने जैसा कहा कि हमें ओबीसी इंटेलेक्चुअल्स को अपना स्पेस खुद बनाना पड़ेगा, हमारे लिए कोई स्पेस क्रिएट करने वाला नहीं है। जब भी विमेन रिजर्वेशन की बात आती है तो तब सारी सवर्ण लोग, सारी सवर्ण महिलाएं उस चीज को सपोर्ट करती है कि देयर शुड बी 33% रिजर्वेशन फॉर द विमेन। दे टॉक अबाउट द विमेन रिजर्वेशन, दे टॉक अबाउट द जेंडर जस्टिस, बट व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन दे डोंट सपोर्ट इट। तो अगर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रखा जाता है तो उसके अंदर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन रखने की बात की जाती है, ताकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज महिलाएं, जो भी बहुजन महिलाएं हैं, उनका एक रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के मुद्दे हैं जो बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे ओबीसी समाज के लोगों को, और मैं बिहार प्रदेश से आती हूँ जहाँ पर अमूमन महिलाएं बस 50% ही पढ़ी होती हैं, पढ़ी हैं 2011 लिटरेसी के अनुसार, और उसमें भी हायर एजुकेशन में उनका पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। आइस के अगर रिपोर्ट हम देखें तो मात्र 21% महिलाएँ हैं जो कि टीचर हैं, और अगर यूजीसी का ही डेटा देखते हैं तो सिर्फ 9 ओबीसी प्रोफेसर्स हैं, और उसमें अगर विमेन का पार्टिसिपेशन देखते हैं तो शायद वो नेग्लिजिबल है हर जगह। तो इस तरह से मैं तमाम ओबीसी एससी एसटी और सारी बहुजन महिलाओं की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात हो, तभी हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट से लेके एकेडमिक से लेके टीचिंग से लेके पंचायत से लेकर हर जगह बढ़ेगा। साथियों, प्रोफेसर साहब की बात से ही मैं शुरुआत करूंगा कि वी द क्रिएटर ऑफ दिस कंट्री, हम बोझ रहे हैं इस समाज, इस राष्ट्र पे। जब ओबीसी की बात होती है तो ओबीसी में आते हैं खेती में काम करने वाले लोग, चिनाई करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, किसानी करने वाले लोग, और ये देश बनता है इन्हीं लोगों से। हमारे महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है कि जो ये लड़ाई शोषक और शोषितों के बीच है, उसमें सत्ता हमारे हाथ में हो, इसके लिए लंबा इतिहास रहा है और अब तक ये लड़ाई लड़ी ही जा रही है, मंजिल तक नहीं पहुंच पाई है। साथियों, बाबू जगदेव कुशवाहा जी कहे थे कि हमारी पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी
जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी इस देश में राज करेगी। लेकिन हम उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। असल में होना चाहिए था कि हम तीसरी पीढ़ी होनी चाहिए थी जो इस देश में सरकार बनाए, इस देश में राज करे, और हमारे पॉलिसी की बात होनी चाहिए थी, हमारे अनुसार पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए था। लेकिन हम उस लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए, इसके तुलना में हम पीछे हैं। हम गोली खाने वाले और जेल जाने वालों के बीच हैं, अभी राज करने वालों तक पहुंच नहीं पाए। जो कुछ चंद लोग राज करने वालों के रूप में संसद और विधानसभा में पहुंचे हैं, वो सिर्फ एक कठपुतली के रूप में है। बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने बहुत पहले नारा दिया था कि अब की बार भादो में गोरी कलाई कादो में सावन में सॉरी। लेकिन उस नारे को चरितार्थ हम लोग अभी तक नहीं कर पाए। हमारे एमपी, हमारे एमएलए पहुंचे, लेकिन एजेंडा उनका रहा। उनको चलाने वाले लोग नागपुर वाले थे। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर का पेबैक टू सोसाइटी का प्रिंसिपल हम लोग भूलते जा रहे हैं। हम लोग पे टू सेव केवल कर रहे हैं। अपने काम कहां से निकल जाए वो देखते हुए हम अपने सिद्धांतों से समझौता करने पे आ गए हैं। इतनी बड़ी तादाद है हमारे, उसके शक्ति को समझना पड़ेगा। हम बहुजन हैं, लेकिन बहुजन दिखते कहां? हम जातियों में बटे हुए हैं, हम टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, हम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं, हम अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं। अरे भाई, जो हम पे अब तक राज करते आए हैं, कम से कम उनसे सीख लेते। उनके भी तमाम दल बने हुए हैं, कोई महावीर दल तो कोई बजरंग दल तो कोई फला दल कोई फला दल। लेकिन बात जब आ जाती है एक मूवी की, एक फिल्म की बाइकॉट करने के लिए, सारे एकजुट हो जाते हैं, बसें चलवा दिए जाते हैं, बस में बच्चे बैठे रहते हैं, परवाह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर चेतना है कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से छेड़छाड़ करेंगे तो हम मरने मारने पे आतुर हो जाएंगे। हम बुद्ध के वंशज हैं, हम शांति का बात करते हैं, करुणा का बात करते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की। जो धरती पूरे विश्व को करुणा का पाठ पढ़ाया है, संस्कृति एक अलग संस्कृति दिया है, बहुजनों का संस्कृति, हम इतने गरीब हैं सांस्कृतिक रूप से कि हमारे पास संस्कृति नहीं है। जो भी लोक संस्कृतियां वो किसकी हैं? बहुजनों की हैं। मैं ये बात किस लिए कर रहा हूं? अलग अलग पहलू होते हैं एम्पावरमेंट के, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है संस्कृति। हम अपने लोगों से बताएं कि ये जो लोक संस्कृति है, लोक गीत है, लोक जो भी है, ये हमारे बहुजनों की है। आज बिहार और उत्तर प्रदेश में गमछा बांधने की जो संस्कृति थी वो बहुजनों की थी, गरीबों की थी, किसानों की थी। लेकिन आज क्या हुआ है? कुछ चंद लोग, एक दो गमछीमैन बन गए। आप लोग जानते होंगे इस चीज को। हम लोग क्यों नहीं अपना सकते हैं? इस चीज को प्रचारित क्यों नहीं करते हैं अपने लोगों के बीच? हमारे ऊपर हमको बदनाम करने के लिए यह टैग लगाया जाता है कि हम भारतीय मूल्यों से, संस्कृतियों से कंप्रोमाइज करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को सीखते हैं। तो भाई, जिस जवाब, जिस तरीके से लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उस तरीके से लड़ाई हमें भी लड़नी पड़ेगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारे पूर्वजों ने कहा था, जो बहुजन का बात करेगा वो देश पे राज करेगा। साथियों, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये टीम बहुत मेहनत की है। हम लोग यहाँ पे आए हैं तो एक संकल्प लेके जाए, जो पूर्वज हमारे ये बात कहे हैं, जो बहुजनों का बात करेगा वो देश पे राज करेगा, इसको चरितार्थ करने के लिए हम सब एक सूत्र में बंधे और संकल्प करें यहां से कि इसके अगला कार्यक्रम जो भी हो, एक खुला मंच हो और इस नारे को हम चरितार्थ करें, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को
साकार करें, महात्मा ज्योतिबा फुले के सपने को साकार करें, हमारे तमाम जो महापुरुष हैं उनके सपनों का साकार करें। जय ओबीसी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।